हमारे सिल्वर जुबली वीडियो में मैं आपका अपना तुलसीदास विश्वकर्मा माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा मेरे यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस लॉकडाउन के बंधन ने मुझे इस 65 साल की उम्र में प्रेरित किया कि मैं मेरी अपनी मदर माइनिंग इंडस्ट्री कोल इंडिया के लिए योग्य और सक्षम सुपरवाइजर और अधिकारी जो सुरक्षा और उत्पादन करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं बनने में या उनको संवारने में कुछ थोड़ा सा मैं अगर काम आ सकूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा माइनिंग एग्जामिनेशन 23 हमारा 25वां वीडियो देखते हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। कोल माइंस रेगुलेशन 199 प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव। इसका पहला पॉइंट है कि कोई भी डिटोनेटर को तब तक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक वह चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रकार का ना हो या टाइप का ना हो। दूसरा पॉइंट, जहां पर भी एक से अधिक होल या शॉट्स को ब्लास्ट करने के लिए चार्ज किया गया है वे सब होल या शॉट्स एक साथ ब्लास्ट विस्फोटन या फायर किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट, कोयले में फायर या ब्लास्ट या विस्फोटन किए जाने वाले किसी भी होल में बारूद की मात्रा अनुमति प्राप्त अधिकतम बारूद की मात्रा से अधिक नहीं होगी जो कि चीफ इंस्पेक्टर माइंस के द्वारा उनके विशेष या सामान्य आदेश में अलग अलग प्रत्येक प्रकार के बारूद के लिए विशेष रूप से बताया गया है। कोल माइंस रेगुलेशन 200 अप्रूव्ड शॉट फायरिंग अपरेटस। किसी भी खान में किसी भी माइंस में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा समय समय पर कुछ खास शर्तों के साथ या कुछ खास प्रावधानों के साथ उनके सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा मान्यता दिए गए प्रकार के विस्फोटन यंत्र या शॉट फायरिंग अपरेटस के द्वारा ही किसी भी शॉट्स की या शॉट की ब्लास्टिंग की जाएगी। परंतु यदि किसी खान में किसी खास परिस्थिति होने के कारण या खास कंडीशन होने के कारण चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपने लिखित आदेश के द्वारा जिसमें कुछ खास कंडीशंस या शर्तों के साथ किसी दूसरे प्रकार के या दूसरे विस्फोटन यंत्र या शॉट फायरिंग अपरेटस का प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। कोल माइंस रेगुलेशन 201 एडिशनल प्रिकॉशंस
इन बिलो ग्राउंड माइंस, अंडरग्राउंड माइंस। इसका पहला पॉइंट यह है, यदि किसी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट या वायु संचारित डिस्ट्रिक्ट में अगर ज्वलनशील गैस, इनफ्लेमेबल गैस किसी भी स्थान पर पाई जाती है तो उस स्थान पर तथा उसके रिटर्न साइड के किसी भी स्थान पर कोई भी होल चार्ज या ब्लास्ट नहीं किया जाएगा जब तक वह स्थान गैस को हटाकर गैस मुक्त और सुरक्षित घोषित ना कर दिया जाए। इसका दूसरा पॉइंट, किसी भी होल या होलों के राउंड को चार्ज करने के ठीक पहले और ब्लास्ट करने के या विस्फोटन करने के ठीक पहले शॉट फायरर बहुत ही सावधानी के साथ ज्वलनशील या इनफ्लेमेबल गैस की उपस्थिति की जांच ब्लास्टिंग हो रहे स्थान से 18 मीटर की रेडियस या त्रिज्या में जांच करेगा। तीसरा पॉइंट, किसी भी शॉर्ट होल को चार्ज ही नहीं किया जाएगा अगर उसके अंदर कोई क्रेक या दरार पाई जाती है या उस होल से कोई इनफ्लेमेबल गैस या ज्वलनशील गैस निकल रही हो या लीक हो रही हो। चौथा पॉइंट, यदि किसी शॉर्ट होल को चार्ज कर देने के बाद सब लोकेशन 2 में बताए गए क्षेत्र या रेडियस या त्रिज्या के अंदर कोई ज्वलनशील गैस पाई जाती है तो वहां पर ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी जब तक वह स्थान गैस मुक्त ना हो जाए एवं सुरक्षित घोषित ना कर दिया जाए। पांचवा पॉइंट, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी डिले डेटोनेटर या विलंबित टोपी का प्रयोग उनके द्वारा अनुमति में दर्शाए गए प्रावधानों या कंडीशंस के बिना नहीं होगा या उनके पालन किए बिना नहीं होगा। कोल माइंस रेगुलेशन 202 ब्लास्टिंग इन फायर एरियाज इन ओपन कास्ट माइन, किसी भी आग लगे हुए ओपन कास्ट माइन के क्षेत्र के स्थान पर ब्लास्टिंग करने के लिए
दगान करने के लिए, विस्फोटन करने के लिए कुछ खास निर्देश एवं सावधानियां चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के सामान्य आदेश में विशेष रूप से बताया जाएगा। हमारा वीडियो यही खत्म होता है। अगला 26वां वीडियो इसी एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग चैप्टर के अंतर्गत MMR मेटल माइंस रेगुलेशन 166 और कोल माइंस रेगुलेशन 203 के इंस्पेक्शन आफ्टर शॉर्ट फायरिंग ब्लास्टिंग करने के बाद निरीक्षण इस पर होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है, अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे दुगनी ऊर्जा के साथ।